देखो ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर का जो यूज होता है, यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का जो यूज है एम्पलीफायर के रूप में कैसे होता है, ये डिस्कशन देखो अभी आप लोग। तो एम्पलीफायर सर्किट देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, कॉमन एमिटर मोड में ही इसका एम्पलीफाइंग, एम्पलीफायर के फॉर्म पे इसका यूज होता है। ये कलेक्टर सर्किट हो गया, कलेक्टर टर्मिनल, ये एमिटर टर्मिनल, एंड सपोज इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहां पे आप एक रेजिस्टेंस लगा दो, इट इज बेस रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका बेस टर्मिनल, और इसको आपने कॉमन कर दिया है, ठीक है। आगे का सर्किट देखो, इस पे ये बेस रेजिस्टेंस है, और यहां पे अब आप क्या कर दोगे, बैटरी लगाओगे। तो ये फॉरवर्ड बायस में लगाना, पी फॉर पॉजिटिव, तो ये बैटरी हो गई आपकी फॉरवर्ड बायस में। दिस बैटरी इज वीबीबी, आप इसको वेरिएबल कर सकते हो। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दो, और ये इनपुट एसी सिग्नल आपने यहाँ पे सुपर इम्पोज कराया, तो ये इनपुट एसी सिग्नल दे रहा है, एक ये कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर से क्योंकि सिर्फ एसी सिग्नल पास होते हैं, तो यहां से एसी सिग्नल इसमें सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो ये इनपुट सिग्नल आप बोल सकते हो यहाँ पे। एंड देन इस पे ये फिर एक और रेजिस्टेंस मैंने ले लिया यहाँ पे, दिस इज आरसी रेजिस्टेंस, और आउटपुट सर्किट आपका रिवर्स बायस में होता है, तो रिवर्स बायस के लिए एन को किससे कनेक्ट करोगे, प्लस से, एंड देन माइनस, तो ये रिवर्स बायस हो गया यहाँ पे। दिस इज वीसीसी बैटरी, और ये एक और कैपेसिटर लगा दो, और फिर यहाँ पे अब आप आउटपुट ले रहे हो, तो ये आउटपुट सिग्नल यहाँ पे मिलेंगे। तो कैपेसिटर का जो एम्पलीफायर के फॉर्म पे सर्किट हम ड्रॉ करते हैं वो इस तरह का होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो इधर से इनपुट दिया और इधर पे आप आउटपुट ले रहे हो यहाँ पे। एंड करंट का जो डायरेक्शन देखो, ये बेस करंट हो गया, ये इधर पे नीचे की तरफ आ गया एमीटर करंट, और ये कौन सा करंट हो गया, यहाँ पे कलेक्टर करंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दिस इज वीबीई, बेस एमिटर जंक्शन के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसके बीच में, यहाँ पे वीसीई मतलब कलेक्टर और एमिटर के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज वीसीई। तो इनपुट यहाँ पे है और आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इनपुट एक्चुअली वीबीबी के बराबर है यहाँ पे। तो इनपुट को कैसे लिखोगे आप, इनपुट वोल्टेज, तो बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल अगर अपन लगाते हैं, तो बेटा जो इनपुट वोल्टेज है वीबीबी, ये किसके इक्वल, ये वाला जो वोल्टेज है ये किसके इक्वल, यहाँ पे आईबी आरबी प्लस वीबीई के इक्वल है यहाँ पे। एंड एक्चुअली में जो इनपुट वोल्टेज है वो यही कहलाता है, सो दिस इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई, और अगर मैं इनपुट वोल्टेज में यहाँ पे चेंज कर दूं, सो डेल्टा वी इनपुट इज इक्वल टू आर बी इनटू डेल्टा आई बी, और ये वाली वैल्यू लगभग लगभग जीरो होती है, क्योंकि चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज ये बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। अगर आप यहाँ पे इनपुट में चेंज ला रहे हो, तो ये जो वोल्टेज होता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में, तो इसमें चेंज नेग्लिजिबल होता है, तो ये जो टर्म है यहाँ पे, दिस इज डेल्टा वीबीई, ये वाली वैल्यू लगभग लगभग आपकी जीरो होती है। तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज डेल्टा वी आई इज नियरली इक्वल टू आर बी इंटू डेल्टा आई बी के इक्वल होता है, इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर वन। अब आउटपुट की तरफ आते हैं, पर ये हमने इनपुट की तरफ ये कैलकुलेशन किए, अब हम आउटपुट की तरफ कैलकुलेशन करते हैं। तो आउटपुट की तरफ जो कैलकुलेशन है,
देखो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है VCE, दिस इज VCE, किसके इक्वल आएगा यहाँ पे ये IC, VCE किसके इक्वल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू VC, मतलब ये वाला जो वोल्टेज है ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू IC into RC माइनस VCC के बराबर बन रहा है ना, आया ना, ये माइनस प्लस अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, चलो ये वाले पॉइंट को मैं क्या ले लू यहाँ पे, दिस इज E एंड दिस इज C, तो VE फिर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे तो प्लस VCC, और फिर करंट के डायरेक्शन पे जा रहे तो माइनस IC RC इज इक्वल्स टू VC, ये किरचॉफ्स रूल हमने लिखा यहाँ पे, एंड इसको मैं ट्रांसपोज करके इधर ले जा लूं तो VC माइनस VE दिस इज इक्वल्स टू VCE एंड इट इज इक्वल्स टू VCC माइनस IC RC, तो एक्चुअल में जो आउटपुट वोल्टेज है आपका वो ये है यहाँ पे VCE के बराबर है, सो दिस इज नियरली इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज एंड इट इज इक्वल्स टू VCC माइनस IC इंटू RC, अगर मैं इसमें चेंज लाता हूं यहाँ पे, so this implies that change in output voltage is equals to change in VCC minus RC बाहर जाएगा डेल्टा IC, लेकिन बेटा ये जो वैल्यू है VCC ये तो फिक्स बैटरी, यहाँ पे इस पे कोई चेंज आएगा नहीं, तो इसको आप जीरो मान लोगे तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज नियरली इक्वल टू माइनस RC इंटू डेल्टा IC, तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज ये था और चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ये आ रहा है यहाँ पे, मतलब अगर मैं इनपुट और आउटपुट के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पे, ये आउटपुट ले लिया मैंने और ये इनपुट ले लिया, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, तो यहाँ पर ये तीन रीजन होते हैं इस पे, ये कौन सा रीजन हो गया यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीजन, ये जो रीजन है जब इनपुट हाई है तो आउटपुट आपका लो होता है, दिस इज कट ऑफ रीजन, एंड ये वाला जो रीजन इट इज सैचुरेशन रीजन, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये जो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है इसकी, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट आप एसी सिग्नल ले रहे हैं, तो इसके बीच में ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है ये कहलाता आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो एम्पलीफायर के रूप में ये कहाँ पे वर्क करता है, एज अ एम्पलीफायर, ये AR रीजन, AR मतलब एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में एज अ एम्पलीफायर के रूप में वर्क करता है, एंड स्विच के रूप में ये कहाँ पे वर्क करता है, इन COR एंड SR, COR मतलब कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन में, ये किसके जैसे काम करता है, स्विच के जैसे काम करता है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में एज अ एम्पलीफायर ये कहां पे वर्क करता है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में एज अ एम्पलीफायर ये कहां पे वर्क करता है, कौन से रीजन में वर्क करता है, ये कौन से रीजन में वर्क करता है, एज अ एम्पलीफायर ये एक्टिव रीजन होता है और ये कट ऑफ एंड ये सैचुरेशन रीजन, ठीक है, तो एज अ एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में वर्क करता है और कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन में ऐसा स्विच के जैसा ये काम करता है ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ये इनपुट में चेंज और ये आउटपुट में चेंज, अब हम यहाँ पे वोल्टेज गेन देखेंगे, हम इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए, ये मिटा दूं क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का,
यस सर। तो अब हमारे लिए जो काम के टर्म हैं वो ये हैं, ये सब मैं मिटा देता हूं। इनपुट के लिए क्या क्या आ गया आपके पास में? डेल्टा भी इनपुट इज इक्वल्स टू आर बी इनटू डेल्टा आई बी, एंड डेल्टा भी आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है आपके पास में? इट इज वीसीसी माइनस आईसी आरसी, एंड डेल्टा भी आउटपुट किसके बराबर? इट इज आरसी इनटू डेल्टा आईसी के बराबर विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये है इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अभी देखो, हाँ, ये जो ग्राफ क्यों बन रहा है सर? नाउ दिस इज पेज नंबर 2, और इफ बेस करंट को मैं अगर जीरो कर दूं, तो बेस करंट अगर जीरो है तो उसके कारण कलेक्टर करंट भी कितना होता है? जीरो होता है। कलेक्टर करंट अगर जीरो होगा तो भी आउटपुट किसके बराबर आएगा? वीसीसी के बराबर आएगा। तो बेस करंट जीरो मतलब लो इनपुट, तो लो इनपुट अगर रहेगा, इनपुट वोल्टेज आपका अगर लो है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज अगर लो है तो आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलता आपको? बहुत हाई मिलता। देखिए, ये इनपुट आपका बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में आउटपुट आपको ज्यादा मिल रहा है, और जब आईबी की वैल्यू ज्यादा आएगी, व्हेन आईबी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हाई आप लोगे तो जो आउटपुट मिलेगा ये वीसीसी माइनस आईसी इनटू आरसी, तो ये वाले इसमें से आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल जो आंसर इसका कम आ जाएगा। तो जब आपका इनपुट ज्यादा रहेगा तो आउटपुट उस टाइम पे कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं स्विच एक्शन बताऊंगा ना तो और एक्सप्लेन कर दूंगा ग्राफ को स्विचिंग एक्शन पे, एक बार और आ जाएगा स्विचिंग एक्शन पे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले करंट गेन, करंट गेन मतलब बीटा, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल्स टू होता है आप चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट कौन सा बेटा आपका? डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, ये होता है करंट गेन, ठीक है। करंट गेन के बाद वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एबी से, एंड वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है माइनस आरसी डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय आरबी इनटू डेल्टा आईबी। तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी ये किसके बराबर है? आरसी अपॉन आरबी इनटू बीटा। तो वोल्टेज गेन किसके इक्वल हो गया? करंट गेन इनटू ये टर्म आपने लिख दिया, एंड सम टाइम इसको ऐसा भी लिख देते इट इज आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस इनटू बीटा के फॉर्म में भी इसको लिख दिया जाता है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज गेन। माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन ये शो करता है कि इनपुट और आउटपुट में जो सिग्नल आपको मिलते हैं ये इनपुट सिग्नल हो गए, और मान लो ये आउटपुट सिग्नल आ गए, तो यहाँ पे जो फेस डिफरेंस क्रिएट होता है वो कितने का होता है? पाई का। तो ये माइनस साइन ये फेस को बताता है कि इनपुट और आउटपुट में जो फेस डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पे, ये कितने का फेस डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इनपुट और आउटपुट के बीच में? ये इनपुट है तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कितने का फेस डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पे? डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई का फेस डिफरेंस होता है, ये नेगेटिव साइन शो करता है। तो कॉमन एमिटर मोड में जब आप एम्पलीफायर के जैसे इसका यूज करते हो तो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। सो दिस इज द वोल्टेज गेन। एंड पावर गेन, पावर गेन इट इज डिनोटेड बाय एपी। तो पावर गेन इज इक्वल्स टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इनटू चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज इनटू चेंज इन इनपुट करंट, ठीक है। मतलब ये आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मैंने लिखा, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आरसी डिवाइडेड बाय आरबी इनटू बीटा स्क्वायर। तो ये पावर गेन है। तो अब एक बात देखो, एम्पलीफायर में सिग्नल एम्पलीफाई होके क्यों मिल रहा है? ये कहां से मिल रहा है? इनको पावर कहां से आ रहा है? तो ये जो बैटरी आपने लगाया हो ना,
इनपुट और आउटपुट में वीसीसी और वीबी, ये बैटरी बेटा यहाँ पे पावर सप्लाई करती, इसके कारण ये सिग्नल एम्पलीफाई होके आते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खुद ब खुद ये सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है। तो ये एनर्जी कहां से ले रहे हैं, ये बायसिंग बैटरी से एनर्जी लेते और फिर सिग्नल एम्पलीफाई होते। तो कॉमन एमिटर मोड में करंट गेन का ये फार्मूला हो गया, वोल्टेज गेन का ये हो गया, एंड पावर गेन का ये फार्मूला होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। एंड देन ये पेज, वन मिनट, ये पेज नंबर 3 था, दोबारा लेना, ये पेज नंबर 3 है, दिस इज पेज नंबर 3, दोबारा लेना स्क्रीनशॉट, ले लिए, ले लिए क्या? यस सर। एंड देन अब इस पे ऐसा एम्पलीफायर के बाद में अब अपन देखते हैं इसमें स्विच के फॉर्म पे इसका यूज कैसे होता है, स्विच के फॉर्म पे इसका यूज। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, स्विच मतलब ऑन ऑफ एक्शन ये कैसे करता है। तो स्विच के लिए आप इसका जो सर्किट है ये इस तरह से ले लो, ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये हो गया एमिटर टर्मिनल, और ये हो गया आपका बेस टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे ये बेस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये सपोज एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एंड इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ पे अब आप सप्लाई दे दे रहे हो, ये स्विच मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर बैटरी लगा दो यहाँ पे, दिस बैटरी इज वीबीबी, मान लो ये यहाँ पे आपने इसको ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, अब ये बैटरी आप यहाँ पे लगा दे रहे हो, दिस इज आरसी, दिस इज वीसीसी, एंड ये आउटपुट आप कहाँ पे ले रहे हो और इनपुट कहाँ पे ले रहे हैं। तो ये इधर पे आपने ग्राउंड कर दिया, तो ये यहाँ पे अब आप आउटपुट ले रहे हो, और ये मान लो 5 वोल्ट, और अगर यहाँ पे ग्राउंड है तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा, जैसे ये 5 वोल्ट और यहाँ पे ग्राउंड है तो ये कितना वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट हो गया, और ये इनपुट है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन, सो दिस इज द इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये स्विच बनाया हुआ है। तो ऐसा स्विचिंग एक्शन अगर अपन देखें तो इनपुट की जो वैल्यू आएगी, वी इनपुट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आई बी आर बी प्लस वी सी, तो सॉरी वी बी ई के इक्वल होता है, ये इनपुट वोल्टेज है। एंड जो आउटपुट है वो इसके इक्वल, दिस इज वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी के इक्वल होता है। तो देखो, अगर ये स्विच मैं ओपन रखूंगा तो बेस करेंट आएगा क्या? If switch is open, मान लो मैंने इस स्विच को ओपन रखा है, तो अगर ये स्विच ओपन है तो IB की वैल्यू 0 रहेगी, और IB अगर 0 रहेगा तो IC भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। स्विच ओपन है मतलब V इनपुट इज लो, लो इनपुट आप दे रहे हैं, तो IC भी 0 है, और IC अगर आपका 0 है तो आउटपुट किसके बराबर बचेगा, VCC माइनस 0 इनटू RC, दैट इज इक्वल्स टू VCC, इक्वल्स टू कितना वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया। तो आउटपुट आपका हाई आ रहा है, सो देयरफॉर जब आपका इनपुट लो है तो आउटपुट कैसा मिल रहा है, आपको हाई मिल रहा है। और अगर मान लो मैं इफ स्विच इज क्लोज्ड कर दूं,
if switch is closed, तो स्विच को क्लोज करोगे तो फिर आईवी की वैल्यू जीरो नहीं होगी और इसके कारण आईसी की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी, ये सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड देन जो आउटपुट आएगा, देखो स्विच इज क्लोज्ड मतलब इनपुट इज आपने हाई ले लिया, तो आउटपुट इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी, मतलब फाइव माइनस यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी आईसी इंटू आरसी की, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसका मतलब जब आपने इनपुट हाई रखा देन आउटपुट कैसा मिल रहा है, लो मिल रहा है। तो ये एक स्विचिंग एक्शन के जैसे काम करने लगा, तो लो इनपुट पे हाई आउटपुट दे रहा और हाई इनपुट पे लो आउटपुट दे रहा है, तो ये इसकी स्विचिंग एक्शन है। मतलब जब ये ओपन रखोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट हाई रहेगा और जब आप इस स्विच को क्लोज कर दोगे यहाँ पे तो ये जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा। तो ये बेटा इसकी स्विचिंग एक्शन होती है इसकी ट्रांजिस्टर की। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्विच एक्शन मतलब समझ गया ना, ऑन ऑफ, या अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है, इनपुट लो है तो आउटपुट कैसा मिल रहा है यहाँ पे हाई, तो यही इसी को बोला जाता है स्विचिंग एक्शन। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये लिया मैंने, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.01 देन फाइंड बीटा। अल्फा की वैल्यू सपोज 0.9 लिया मैंने, 0.8 अगर अपन लेते, देन फाइंड बीटा। अल्फा मतलब समझ गए, करंट गेन है, कौन से मोड में करंट गेन है। अल्फा इज करंट गेन कौन से मोड में, इन कॉमन बेस मोड। और ये बीटा क्या है यहाँ पे, इट इज करंट गेन इन कॉमन एमिटर मोड, ठीक है। कैसे निकालोगे रिलेशन, सिंस आई ई इज इक्वल टू क्या होता बेटा, आई बी प्लस आई सी, तो इसको मैं डिवाइड कर दूं, आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस वन, ये वाला टर्म होता 1/अल्फा, ये है 1/बीटा प्लस वन। अब इसको सॉल्व कर दोगे आप तो यहाँ पे 1 अपॉन इट इज 0.8 इज इक्वल टू 1/बीटा प्लस वन, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.8 माइनस वन LCM, इसको क्या लिख सकते हो आप, 10/8 माइनस वन, LCM आ गया 8, सो इट इज 10 माइनस 8, तो 1/बीटा इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया यहाँ पे 2/8, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 8/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये इस तरह से बीटा कैलकुलेट हो गया, तो अगर अल्फा दिया है तो बीटा आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। समझ गए या नहीं, समझ गए, हेलो, अरे समझ गए, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। लेंगे सर। देन पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन अभी, एक और ट्रांजिस्टर वाला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे एज एन एम्पलीफायर के लिए जो चल रहा था। Now this is page number 6 अभी, हाँ पेज नंबर 6 में एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे एज अ एम्पलीफायर के लिए। ये कलेक्टर सर्किट है, ये एमिटर सर्किट है, इसको आपने कॉमन कर दिया एंड बेस रेजिस्टेंस ये सपोज 2 किलो ओम का लिया। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये बैटरी हमने ले लिए यहाँ पे सपोज 10 वोल्ट की वेरिएबल बैटरी लगा दिए एंड दिस इज आरसी, ये सपोज 10 किलो ओम का है और ये बैटरी हमने लगा दिया यहाँ पे, दिस इज VCC, it is of 12
20 वोल्ट की हमने एक वेरिएबल बैटरी लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटा इस तरह से यहाँ पे आपका गिवन। अब जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इसकी, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बेटा इस तरह से बनी हुई, यहाँ पे आपने आईसी ले लिया मिली एम्पियर में, और यहाँ पे आपने VCE ले लिया, मतलब ये VCE वोल्ट मीटर आपने लगा दिया और एक मिली एम्पियर यहाँ पे लगा दिया, जो किसको मेजर करेगा, आईसी को मेजर करेगा। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने अगर प्लॉट किए इसकी, तो ये इस तरह से आई, ये जीरो, ये आई बी इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर पे, ये आई बी इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर पे, और ये आई बी इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर पे, ठीक है। एंड ये वैल्यू सपोज यहाँ पे 5 है और ये वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 है, एंड इट इज 15 एंड देन 20 एंड सॉरी इट इज 10 एंड देन 12 एंड देन 14। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, फाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से आपको क्या क्या कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, फाइंड सबसे पहले फर्स्ट बीटा डीसी निकालना है एट VCE इज इक्वल टू 12 वोल्ट, एंड बीटा एसी निकालना एट VCE इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं, बीटा डीसी एंड बीटा एसी आपको कैलकुलेट करना है इस ग्राफ से 12 वोल्ट पे। तो अब देखो बीटा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा बीटा डीसी, मतलब डायरेक्ट आपको लिखना आईसी अपॉन आईबी, और जब वीसीई आप कांस्टेंट लेते हो, तो 12 वोल्ट में यहां पे है वीसीई, ये 12 वोल्ट है बेटा, यहाँ पे ये 12 वोल्ट आपको देखा है। तो हम दोनों वैल्यू पे कैलकुलेट कर ले, IC की वैल्यू यहाँ पे 5 मिली एम्पियर दिख रही है और IB की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर, है ना। और ये जब 12 वोल्ट है तो सॉल्व करने पे कितना जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो इट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। करेंट गेन कि कोई यूनिट नहीं आएगी, तो आंसर कितना बचेगा 500। तो ये बीटा डीसी हो गया। अब सिमिलरली आप बीटा एसी कैलकुलेट कर लो, तो बीटा इज इक्वल एसी डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी एट कांस्टेंट वीसीई। तो ये जो कैलकुलेशन में इसके आगे तक यहां तक बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो इट इज डेल्टा आईसी, डेल्टा आईसी 10 माइनस 5 और डेल्टा आईबी यहां से पता चल गया, तो इट इज 10 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो इट इज 20 माइक्रो एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर। तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा आंसर, यहां पे इट इज 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय ये कितना बचेगा 10 माइक्रो एम्पियर। तो अगेन यही रिलेशन आ गई यहां पे, इट इज अगेन 500। तो बीटा डीसी और बीटा एसी की जो वैल्यू होती है वो नियरली सेम होती है, ध्यान रखना। तो ग्राफ से आप कैलकुलेशन ऐसे करोगे बीटा डीसी के एंड बीटा एसी के, मतलब करंट गेन यहाँ पे आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो सर ले लिए। तो मतलब यहाँ पे अब आपको करंट गेन पता चल गया है, तो करंट गेन के बाद अब आप वोल्टेज गेन आसानी से निकाल सकते हो। तो पेज नंबर 7, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई, है ना। इफ तो सेकंड अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड एवी, मतलब वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन एंड एपी दैट इज इक्वल टू पावर गेन, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि पावर गेन कितना आएगा। तो पावर गेन कैसे निकाल लोगे यहाँ पे एंड वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू किसके बराबर होता, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट इनटू करंट गेन, एंड या फिर आर सी डिवाइडेड बाय आर बी इनटू बीटा। तो आर सी की वैल्यू कितनी, इट इज 10 किलो ओम,
RB की वैल्यू कितनी यहाँ पे, इट इज 2 किलो ओम, और बीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 500. किलो से किलो कैंसिल हो गया, इट इज 2500 इज द वोल्टेज गेन. एंड पावर गेन एपी की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी यहाँ पे, एपी विल बी गिवन बाय आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट इनटू बीटा स्क्वायर, या फिर आरसी डिवाइडेड बाय आरबी इनटू बीटा स्क्वायर. तो ये कितना हो गया यहाँ पे 10 किलो ओम डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम इनटू बीटा स्क्वायर. बीटा स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर. तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, किलो से किलो कैंसिल, इट इज 5 × 25 और फिर 4 जीरो और लग जाएंगे. सो इट इज 125 × 10⁴. ये पावर गेन है यहाँ पे, ठीक है, इस एम्पलीफायर का. तो ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं जो ग्राफ और सर्किट से किए जाते हैं इसके. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी.